दैनिक सवेरा देख रहे हो तुसीं तां मैं मसिंह दिगपाल मानसा की अनाज मंडी दे विच मौजूद हाँ जिथे कुछ ही घंटिया बाद जानि कि कल सवेरे जिहड़ा कि सिद्धू मूसेवाले का भोग है जिहड़ा कि इसे जगह पर पाया जाने का तैयारियां जिहड़ियां कि कीतियां जा रही ने लगातार तुहानूं दैनिक सवेरा के पल पल की अपडेट दे रहे तो जिस तरीके वड्डी गिणती दे विच पुलिस फोर्स इत्थे पहला तैनात सीगी तैयारियां कीतियां जा रही सन तो उत्थे तुहानूं तस्वीरां हुण दिखा रहे हैं कि जिहड़ी कि स्टेज है उहदी सजावट दे लई जिहड़ी कि फुलां दा जिहड़ा कि वर्क है वह किया जा रहा है। तो चंडीगढ़ तो जिहड़े कि लोग ने आए हुए ने स्टेज की सजावट करन दे लई तकरीब समा रात 12:30 का समय है तो तैयारियां करन दे लई लगे हुए ने। कल सवेरे इसे जगह पर सिद्धू मूसेवाले का जिहड़ा कि भोग है होना तो उस तो पहला जिहड़ा कि सहज पाठ इत्थे रखिया जाना है तो जिहड़ी कि स्टेज है उहदी सजावट की जा रही है तो गलबात भी कर लैंदे आ। सर कहाँ से आए हो आप? हम चंडीगढ़ से हैं। हाँ जी हाँ जी। कौन कौन कितनी तरह के फूल लगा रहे हो और कहाँ कहाँ से जो फूल आए हैं? है तो सारे व्हाइट फ्लावर्स है, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स है, लिलीज है, कार्नेशंस है, रोजेस है, जिप्सी है। क्या क्या है फ्लावर के जो आप लगा रहे हो? लिलीज है, रोज है, कार्नेशंस है, जिप्सो है। ठीक है। हाँ जी, अलग अलग वैरायटी का पत्ता है। कितना फूल आया, कितनी क्वांटिटी में? क्वांटिटी तो काफ़ी सारे है, इतना तो बता ही नहीं सकता। जैसे आपने 15-20 दरकर है और एक ट्रक फुल हमने लाया है, अभी तो पूरा बेड बनेगा फ्लावर्स की। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कितनी कितना समय लगेगा स्टेज तैयार होने में? हम तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, सुबह तक मतलब 7 बजे से पहले रेडी देना है ना। 7 बजे? हाँ जी पूरा रात। कितने बजे से आप तैयार कर रहे हो स्टेज? हम तो सुबह से आए हुए हैं, चंडीगढ़ से। सुबह से आए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फ्लावर की सजावट करना कितने बजे शुरू किया था? हम आ गया था मतलब सुबह चंडीगढ़ से निकला था, हम 4-5 बजे पहुँच गया था यहाँ पे। 4-5 बजे? हाँ जी हाँ जी। तो कितने लोग आए हो आप चंडीगढ़ से, कितने आपकी टीम कितनी है? 16-17 बंदे हैं। 16-17 बंदे? हाँ जी हाँ जी। अभी और भी बंदे आ रहे हैं जो यही बंदे काम कर रहे हैं? नहीं यही है 16-17 बंदे। हाँ जी। कितने घंटों में जो उस स्टेज का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा? सुबह तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी। सजावट अकेली स्टेज पे होगी या कहीं और भी सजावट की जाएगी? है उनकी जो फोटो वगैरह है, फोटो वगैरह में फूल लगेगा। ठीक है। और आगे जो चंदा साहब है, चंदा साहब में भी लगेगा। हाँ जी। तो सारी स्टेज है जो वो फूलों से सजाई जाएगी। तो सुबह कितने बजे तक तैयार कर दोगे? 7 बजे रेडी मांगा, उससे पहले कोशिश कर रहे खत्म हो जाए बस। बिल्कुल तस्वीर तुम देख सकते हो चंडीगढ़ों जिहड़ी की टीम है वो आई हुई है, 16-17 बंदे ने जिहड़े कि इत्थे पहुंचे हुए ने। तो स्टेज है जिहड़ी कि उहदी सजावट दे लई वख-वख तरह के जिहड़े कि फुल ने लियांदे गए ने, तो दिल्लीओं जिहड़े कि ज़्यादातर फुल मंगवाए गए ने। तो 16-17 बंदे की जिहड़ी कि टीम है चंडीगढ़ तो आई है पहुंची हुई है, तो स्टेज की जिहड़ी कि सजावट है वो की जा रही है। तो समा करीब रात 12:30 तो भी वाधा हो चुके है, तो लगातार जिहड़े कि जुड़े हुए ने सीधिया तस्वीरें तुम दिखा रहे हैं मानसा के दाणा मंडी तो जिथे कल सिद्धू मूसेवाले का जिहड़ा कि भोग है वह पाया जाना है। तो कुछ नौजवान भी इत्थे पहुंचे हुए ने, उन्होंने भी गलबात कर लेने हैं। सर कि जगह तो आए हो तुसी? सर मैं हिमाचल हमीरपुर से आया हूँ। हमीरपुर तो आए हो? कदों आए हो इत्थे? सर मेरे को 2-3 दिन हो गए हैं। तो जो पता लग्या सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया के विच नहीं रहे तो की बीतदी है दिल के विच, की आंदा जहन दे विच? जी बहुत दुख है इस बारे में, इस बात का। और उसी दिन हम दो दिन बाद हम यहाँ पे आ गए थे और आज उनका कल भोग है और उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए इधर पहुंचे हुए हैं। पहले कभी मिले हो सिद्धू मूसेवाला से? सर एक बार मिले हुए उनसे, पहले 1 साल पहले आए हुए थे तो मिले थे उनसे। कहाँ पे मुलाकात होती है आपकी? सर उनके हवेली पे हुई थी उनकी मुलाकात। जी सर। तो कैसे मिले थे, जो लगा था कि सुपर स्टार है इतना बड़ा? बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत उन्होंने जब हम उनके घर पे गए थे उनके माता पिता ने बहुत इज्जत वगैरह की थी और उनसे मिलाया था, फोटो वगैरह भी करवाई हुई थी, बहुत अच्छे आदमी थे। कब से फॉलो कर रहे हो उनको? सर आज से कोई, जब उनका पहला सॉन्ग आया था डार्क लाइफ या डार्क लव आया था उनका, उस टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं सर उनका। हिमाचल के हमीरपुर तो देख सकते हो नौजवान ने जिहड़े कि पहुंचे हुए ने, तो मेरे सहयोगी पंकज ने भी मेरे नाल मौजूद ने, तो गलबात कर लेने हैं। पंकज किवें देखते हो, जिवें तुसीं देख रहे हैं कि 12:30 तो वध दा समा हो चुका है, कारीगर लगे हुए ने, लोग भी इत्थे मौजूद ने, इन्नी ज़्यादा उन्होंने फैन फॉलोइंग है जिहड़ी कि वो देखने को मिलती है। तो जेकर स्टेज की गल करिए फ्लावर चंडीगढ़ तो स्पैशल टीम आती है, 16-17 बंदे ने तो काफ़ी समय तो लगे हुए ने, तो कह रहे हैं कि 7 बजे तो पहले जिहड़ी कि स्टेज है मुकम्मल करके दे देंगे। जिदा तुसीं फ्लावर की गल करते पे हो, फ्लावर वाले ने तुहानूं क्या असीं 7 बजे इत्थे पहुँच गए हां,
फ्लावर की तुहाड़ी उन्होंने क्वालिटी भी दस दी है, मगर जिहड़े सिद्धू बाई नूं बाई दे नां जांदे बाई नूं जिहड़े प्यार करदे कित्थों आए हुए आ, कोई हरियाणे तो आया होया, कोई हिमाचल तो आया हो, कोई जम्मू कश्मीर तो आया होया। जिदा तुसीं एक बाई का इंटरव्यू हुणे कीता, उन्होंने कहा मैं बाई नूं इक वार देखिया, बाई दी जदों बाई का पता लगा बाई नूं गोलियां मार के खत्म कर दिता, हाली भी कई बंदियां नूं यकीन नहीं आ रहा। मगर इत्थे जिदा पंडाल दाणा मंडी तैयार किया जा रहा, घट तो घट सानूं जो सानूं उम्मीद है घट तो घट 2 लाख जिहड़े बाई नूं प्यार करन वाले लोग है इत्थे पहुँच सकते हैं, और पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस के हर व्यक्ति इत्थे तैयार यानी कि चप्पा चप्पा चेक करते पे ने। किन्ने जिले की पंकज पुलिस इत्थे लगी हो सकती है? जिते तक सानूं पता लगा 8 या 9 जिलों की पुलिस इत्थे लगी हुई है। जे कहदा मैं जलंधर, कपूरथला तो बाद अपना कपूरथला हुशियारपुर मानसा तो है ही है, उस तो आले दुआले की जिहड़ी फोर्स इत्थे बुलाई गई है, पटियाला हाँ 9 जिलों की पुलिस इत्थे बुलाई गई है सर। बिल्कुल जिवें तुसीं कहा लख दो लख, क्योंकि जेकर संस्कार की गल करिए तो लगातार असीं पल पल से अपडेट दे रहे हैं, संस्कार वेले भी जिहड़ा कि लख तो वध लोग इत्थे पहुँच जाते हैं, तो हुण भी यही जताया जा रहा है कि लख तो वध है जिहड़े कि लोग ने इत्थे देखण नूं सवेरे मिल सकदे, क्योंकि उन्हां दी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा सी। मगर जिथे जिथे जिहड़े बाई नूं प्यार करदे आ वो इत्थे बाद चो आउगे, जिथे बाई की समाध बनी हुई है उत्थे पहला पहुँचूंगे, उन्होंने नतमस्तक करने लई, उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट करने लई, उस तो बाद इत्थे पहुँचणगे। जी बिल्कुल, ऐं तां पहला अखंडपाठ साहब के भोग पाए जाने हवेली के, पहला उत्थे मत्था टेकया जाएगा, उस तो बाद फिर उन्होंने जी समारक बनाई गई है उत्थे लोग जाणगे, फिर उस तो बाद जिहड़ा कि लोग इत्थे पहुँचणगे। हाँ, इत्थे ये भी पता लगा समाजिक धार्मिक और राजनीतिक वर्ग के जिहड़े लोग है इत्थे पहुँचण दी उम्मीद है उन्होंने। बिल्कुल, जिवें सुपरस्टार तो है ही सन, सुपरस्टार के नाल नाल एक कांग्रेस पार्टी के नाल भी जुड़े हुए सन, यूथ नेता भी सी कांग्रेस पार्टी के, अज भी सवेरे राहुल गांधी उन्होंने घर होकर जाते हैं, माता पिता के नाल दुख साझा किया जाता है। जिदा परसों अपना जिहड़े कलाकार हैगे अपने संजय दत्त वो पहुंचे है, किसी नूं ये नहीं पता लगा, उन्होंने ये कहता फेक खबर है, मगर अज उन्होंने कंफर्म करता संजय दत्त आए है। सानू ये भी सूत्रां दे हवाले तो ये भी पता लगा सवेरे बब्बू मान भी आ सकते हैं। हाँ, सूत्रां पहला जदों असीं सब तो पहला साडे वल्लों ही दैनिक सवेरे दे वल्लों ही खबर चलाई जांदी है, तां लोकां दे वल्लों कहा जांदा कि इह फेक खबर है, पर अज उह खबर ते वी जिहड़ी मोहर है लग गई है, संजय दत्त वाकिया ही परिवार दे नाल दुख साझा जिहड़ा कि करके गए ने। और तड़कसार यानी कि 3-4 बजे दे विच आए आ, कित्थे उतरे आ किसी नूं नहीं पता, किहदी गड्डी जाए VIP गड्डी जाए आ इह वी नहीं पता, सीधा घर गए, घर तो अंदर पिछले गेट तो गए, उत्थे परिवार नाल 1 घंटा मुलाकात की, उस तों चले गए। सूत्रां वाले तो इह वी पता लगा बब्बू मान वी सवेरे आ सकदे ने। करण ओजला और सिद्धू मूसे वाले जिहड़े कि फैन सन आपस दे विच काफी ज्यादा टकराण दा देखण नूं मिलदा सी, पर हुण इह वी सुणन दे विच आ रहा सी कि कुछ दिन पहला कि हो सकदा है कि इसे हफ्ते जिहड़ा कि करण ओजला उह वी आ सकदे ने, सवेरे भोग है क्यास लगाई जा सकदी, हो सकदा भोग ते आ जाण जां फिर परिवार नाल सैपरेट मीटिंग की जाए, और कई कलाकारां दे वल्लों भी करण ओजला नूं अपील की गई है कि तुहानूं परिवार नाल आ के जरूर मिलना चाहीदा, हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया ते पोस्ट पा के परिवार दे नाल दुख सांझा जरूर कीता सीगा। ਭਾਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਦਾ ਆ ਜਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ तकरीबन 7 बजे तो जिहड़े कि कारीगर ने लगे हुए ने, तो सवेरे 7 बजे तो पहला जिहड़ा कि स्टेज का टाइम है वह तैयार करके इन्हां वल्लों देनी है, तो सहज पाठ के जिहड़े कि पाठ है वह रखे जाने ने, तो चंडीगढ़ तो स्पैशल टीम आई है फुलां दी सजावट दे लई, तो एक ट्रक भर के जिहड़ा कि फ्लावर दे इत्थे पहुंचे ने, तो जिहदे नाल सजावट है जिहड़ी कि कीती जानी है। हाँ, सिद्धू मूसे वाले का जिहड़ा कि कल है वह भोग आ पाया जाना, कुछ ही घंटे जिहड़े कि बचे ने, रात दीआं तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हाँ, क्योंकि कल जिहड़ा कि सवेरे है सिद्धू मूसे वाले का भोग है जिहड़ा कि मानसा दी अनाज मंडी दे विच पाया जाना, तो तस्वीरां तुहानूं दिखाईआं पहला जिहड़ी कि स्टेज है उहदी सजावट है कीती जा रही है, तो चंडीगढ़ों जिहड़ी कि टीम है वह आ के इत्थे तैयारी कर रही है, तो दिल्ली जिहड़े कि फुल लियांदे गए ने, एक ट्रक भर के जिहड़ा कि फुल दे उह लियांदे गए है, तो तैयारियां कीतीआं जा रहीआं, उहदे दूजे पाए तुहानूं तस्वीरां दिखा दिंदे हाँ। लंगर की जिहड़ी कि व्यवस्था वह भी कीती जा रही है, क्योंकि लखां दी गिणती दे विच लोकां दे जिहड़े कि इत्थे पहुंचण दी ਉਹ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ 50,000 60,000, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਟੀਮਰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10-12 ਲੋਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਆਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਆ ਜਾਣਾ? ਇਕੱਲਾ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਦਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਦਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਏ ਬੈਲਟ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, 10-12 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ। ਤਕਰੀਬਨ 400 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ। 400 ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ 400 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਸਦ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 400 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ 400 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਆ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਹੇ, ਤਾਂ 400 ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਮਾਨਸਾ। ਬਾਬਾ ਯਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਦਬੰਦ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ, 96435-0321।